This video is sponsored by English County, Mobile Master, Fabric Spa, Spectra NDT Engineers, Newsom Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, Millennium Menswear, and by Orbis International School. चीफ मिनिस्टर कुमार स्वामी साहब ग्राम वास्तव के लिए गांव में रुकने के लिए सबसे पहला गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करे, इस उनको शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत सारे इश्यूज गांव में रात में रुकने से वहां का लोकल बात मालूम होते। सीएम को मेरा एक गुजारिश है, यहां पे जो हम खास करके हमारा आलंद अफजलपुर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में हर गाँव में 10-12 इलीगल शराब बेचने वाला लोग है, इसका माफिया बहुत बड़ा है। गुलबर्गा में जितना इलीगल वाइन शॉप है मेरा अंदाज़ से 4,000 करीबन है। इसको मैं 3 साल से आलंद में मूवमेंट करके 70 गांव में शराबी बंद करने का कोशिश करे, लेकिन आप जाके जहाँ नया जो चुन के आया MLA उनका पूरा सपोर्ट है बोल के लोग बोलते, फिर शराबी बेचना ये चालू हुआ। मुख्यमंत्री को मेरा ये रिक्वेस्ट है, उन्होंने क्या करना बोले तो एक स्पेशल स्क्वाड बनाना, स्पेशल टीम बनाना, एक IAS IPS ऑफिसर को बना के इलीगल जो शराब बेचते आलंद में अफजलपुर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में उसको पकड़ के स्ट्रांग केस करके उसको 6 महीना अंदर रखना। और ये सारे कर्नाटक का बात है, सारे कर्नाटक को बिहार में जैसा इलीगल शराब बेचने वालों को बहुत स्ट्रांग कानून बनाया, कोई शराब भेजा है बोले तो उनको नॉन अवेलेबल लॉ है उसका अंदर उनको गिरफ्तार करते, 6 महीने उनको बेल नहीं मिलते। जो जगह पे शराब भेज रहा है ना वो आस्ती को वो मकान रहने दे, जमीन रहने दे, सरकार उसको लेके उसका कब्जा में लेते, ऐसा एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बनाया। कर्नाटक में भी ऐसा एक स्ट्रिक्ट लॉ बना के ऐसा इलीगल वेंडर्स को कंट्रोल करना, इलीगल वेंडर्स हुआ बोले तो कंट्रोल हुआ बोले तो शराबी 90% ऑटोमेटिकली बंद होते। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं 4 दिन से एक्साइज ऑफिस को जा रहा है कोई नहीं मिल रहा है। उन्होंने क्या बोल रहे बोले तो आप रिन्यूअलाइज ही उनको हफ्ता मिलते, आपका जैसा छोटा कंप्लेंट कहाँ से लेते बोल के। एक्साइज डिपार्टमेंट कर्नाटक में खाली हफ्ता वसूली करने का है, इलीगल एक्टिविटी जो भी है अब उसको कंट्रोल करना। खास करके मुसलमान लोगों को मैं अपील करता हूँ, क्योंकि कुरान में भी शरीयत में शराब पीना शराब बेचना मना है, शराब पिया तो 40 दिन नमाज को उनको नहीं करना बोल के शरीयत में है। ये पूरा सपोर्ट होना, खास करके हमारा दरगाह कमेटी वाला, अब मेरा साथ हमारा खलील अंसारी साहब है, वो दरगाह कमेटी का लाडले मशक दरगाह कमेटी का सेक्रेटरी, ऐसा लोग मेरे को पूरा साथ दे रहे। इसलिए कुमार स्वामी को मेरा रिक्वेस्ट है स्पेशल स्क्वाड बना के इलीगल जो 450 लोग आलंद में शराब भेज रहे ना उसको पकड़ के रोड में जैसा रेवड़ी शीटर को परेड करते ना, ऐसा एक बार आलंद में गुलबर्गा में परेड करे तो उसको हिम्मत हारते, उन्हें शराब भेजना बंद करते। ये सरकार को क्या भी रेवेन्यू जनरेट करने वाला नहीं है, ये जो आलंद में शराब मिल रहा है ये गुत्तेदार का शराब डुप्लीकेट है, 5 रुपये में वो बना के पाकिट बना के उन्हें बेचते गाँव में और पैसे कमा के उसमें सियासत कर रहे, लोगों का खून पिया जैसा है ये बात। इसलिए कुमार स्वामी साहब बहुत सीरियस होना, उसका ऊपर एक्शन लेना बोल के मैं रिक्वेस्ट करतूँ। और ये मूवमेंट को मेरे को आम लोग ऐसा हमारा खलील अंसारी है, वेंकटेश है, ऐसा लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा पॉलिटिकल लीडर्स क्यों मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्यों कर रहे हैं, उनका क्या क्या अंदर का बात है मेरे को मालूम नहीं है। ये आम लोगों का यूथ्स का, क्योंकि नौजवान लोग जो 18 साल से 35 साल है ना इसको बहुत टारगेट हो रहा है पीने का, इसलिए कुमार स्वामी साहब स्पेशल अटेंशन देना बोल के मैं बोलता हूँ। 2 मिनट। गैर कानूनी शराब पर फरोख पर पाबंदी लगाने के लिए पिछले कई सालों से हमारे चंद्रशेखर हीरेमठ साहब और हमारे चंद साथी मिलकर इस पर काफ़ी कोशिश किए हैं, खासकर देहातों को
देहातों पर हम लोग जब विजिट देते हैं या वहाँ पर कोई प्रोग्राम करते हैं तो जो लोग हमारे साथ होते हैं उनको धमकाया जाता है, इस वजह से लोग सपोर्ट करने से कतराते हैं, पीछे हट जाते हैं। जो लोग साथ आते हैं वो भी पीछे हट जाते हैं। तो मैं हमारे सीएम कुमार स्वामी साहब से एक पर्सनल रिक्वेस्ट ये करूँगा कि उन्होंने एक कल एक बहुत ही अच्छा बयान डॉक्टरों को लेकर दिया है। डॉक्टरों पर जो लोग हमला करेंगे उनके खिलाफ वो सख्त कार्रवाई करेंगे और सख्त कानून बनाएंगे। इसी तरह से अगर शराब पर पाबंदी लगाने के लिए वो सीरियस हो जाते हैं या अलग-अलग कोई सख्त कानून बनाते हैं, जैसा कि परेड कराने की बात हमारे चंद्रशेखर साहब ने कही, इस तरह से अगर इकदाम किए जाए और सख्ती से उस पर लागू किया जाए तो मैं समझ यकीनन ना सिर्फ आलंद बल्कि आलंद वो गुलबर्गा नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक में इस पर पाबंदी लगाई जा सकती है, इस पर रोक लगाई जा सकती है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इंग्लिश काउंटी मोबाइल मास्टर फैब्रिक स्पा स्पेक्ट्रा एंड ईटी इंजीनियर्स न्यूसन फैब्रिक्स क्लोथ स्टोर श्वेता डेंटिस्ट्री मिलेनियम मेंस फेयर एंड बाय ऑर्बिस इंटरनेशनल स्कूल।